दोस्तों यदि आप भी दिनेश कार्तिक को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की श्रीलंका के खिलाफ दिल तोड़ने वाली हार और टीम मैनेजमेंट के द्वारा लगातार नजरअंदाज किए जाने के बाद दिनेश कार्तिक बेहद हताश और परेशान हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जी हाँ, इतना ही नहीं, दिनेश कार्तिक ने अपने भविष्य को लेकर कुछ ऐसा सोचा है जिसने भारतीय क्रिकेट को हिला कर रख दिया। और यदि आप दिनेश कार्तिक के प्रशंसक हैं तो उनका ये फैसला आपका दिल तोड़ देगा। तो आखिरकार क्या फैसला किया दिनेश कार्तिक ने, उसे जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से किसे मिलना चाहिए था श्रीलंका के खिलाफ मौका, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम को श्रीलंका से एक दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट और भारतीय चयनकर्ता लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय टीम में खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और लोगों ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ट्रोल करते हुए उनसे सवाल किया है कि आखिर इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए अपने प्रमुख खिलाड़ियों को बाहर रखने का क्या सही फैसला था, ये क्या जरूरत थी इसकी। दरअसल इस मामले ने तूल पकड़ा जब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एशिया कप में बल्लेबाजी में बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद आखिरी ओवर में मैच के सबसे रोमांचक पलों में एक ऐसा थ्रो किया जिसका वहां कोई मतलब ही नहीं बनता था और जिस कारण से श्रीलंकाई टीम को मुफ्त में 2 रन मिल जाते हैं और भारतीय टीम इस मुकाबले को हार गई। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि ऋषभ पंत को आखिर क्या सोचकर खिलाया जा रहा है, जबकि आपके पास बेंच पर दिनेश कार्तिक जैसे अनुभवी खिलाड़ी मौजूद हैं और मैच काफी अहम था, जिन्होंने आईपीएल में अपने दमदार प्रदर्शन से तहलका मचाकर रखा हुआ था। लेकिन भारतीय टीम मैनेजमेंट के लगातार नजरअंदाज किए जाने से दिनेश कार्तिक बेहद हताश नजर आने लगे हैं और आज अपनी इसी हताशा से परेशान होकर दिनेश कार्तिक अपने करियर को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। जी हाँ, दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई थी और जिसके बाद भी उन्होंने अपना ये तूफानी प्रदर्शन जारी रखा और दिनेश कार्तिक को ऐसे टीम में चयनित किया गया जहां सभी को यही लग रहा था कि दिनेश कार्तिक इस एशिया कप में विकेट कीपर के रूप में दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम को एशिया कप में विजेता बनाएंगे। लेकिन दिनेश अपने बल्ले का जलवा तो सबको दिखा पाएंगे और जब उन्हें मैदान में उतरने का मौका मिलेगा तब। एशिया कप में भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप रहा और वहां पर टीम मैनेजमेंट ने हर खिलाड़ी को ट्राई कर लिया लेकिन उन्होंने दिनेश कार्तिक को पूरी तरह से इग्नोर कर सभी को हैरान कर दिया। टीम में बतौर विकेटकीपर खेलने वाले बल्लेबाज ऋषभ इस टूर्नामेंट में बेहद खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, जिसका हर्जाना भारतीय टीम को अपने 2 मुकाबलों में हार कर चुकाना पड़ा है और यदि वहां पर दिनेश कार्तिक को टीम में चुना जाता तो वो ऋषभ पंत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, क्योंकि दिनेश कार्तिक काफी सीनियर खिलाड़ी हैं और उनके पास बड़े टूर्नामेंट में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। इसके अलावा दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत से बेहतर विकेट कीपर है। दोस्तों आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2018 एशिया कप में आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारतीय टीम को विजेता बनाया था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट के द्वारा लगातार इग्नोर किए जाने से दिनेश कार्तिक के समर्थकों को अब यही डर सता रहा है कि वो इस एशिया कप की समाप्ति के बाद अपने संन्यास की घोषणा ना कर दे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस एशिया कप में दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से किसे विकेटकीपर के तौर पर चयन करना चाहिए था या खिलाना चाहिए था, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।